या पैक्ड सेल वॉल्यूम किसको कहते हैं ये आज बता रहे हैं। हेमेटोक्रिट को शॉर्ट में एससीटी और पैक्ड सेल वॉल्यूम को पीसीवी लिखा जाता है। ये भी हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग का एक टॉपिक है। सबसे पहले तो हेमेटोक्रिट या पीसीवी कहते किसको हैं, तो ये इसको और क्या नाम बोल सकते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ये इसको वॉल्यूम पैक्ड सेल वीपीआरसी भी बोलते हैं, रेथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन ईवीएफ भी बोलते हैं। हेमेटोक्रिट मीन्स टू सेपरेट ब्लड, इसका एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ है हेमेटोक्रिट का, कि हेमेटोक्रिट का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब क्या होता है कि ब्लड को सेपरेट करना। और ये जो टर्म दिया गया है वो मैग्नस ब्लिक्स, एक स्वीडिश फिजियोलॉजिस्ट हैं मैग्नस ब्लिक्स, इन्होंने ये टर्म दिया था 1891 में हेमेटोक्रिट, जिसका मीनिंग है सेपरेट करना ब्लड को। और ये पीसीवी हेमेटोक्रिट होता क्या है, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज होता है आरबीसी का, मतलब यहाँ पे दिया हुआ इसका डिफिनेशन क्या होता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रेड सेल ऑफ द ब्लड, यानी कि जितना भी एक अमाउंट ऑफ ब्लड अगर ले रहे हैं 2 ml या 5 ml, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 ml अगर ब्लड लिया है, तो वो उस 2 ml ऑफ टोटल ब्लड में आरबीसी का कितना वॉल्यूम है, यानी आरबीसी उस टोटल ब्लड का में आरबीसी सिर्फ अकेले कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, ये होता है हेमेटोक्रिट या फिर पीसीवी। परसेंटेज ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं, कॉर डेफिनेशन इसका है कि परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम फिल्ड बाय आरबीसी। जैसे अगर ब्लड लिया और ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो मालूम है नीचे आरबीसी जमा हो जाएगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होगा, ऊपर प्लाज्मा होगा, तो इतना जगह या इतना वॉल्यूम जो क्या कंटेन किया है आरबीसी पैक्ड होकर के जमा हुआ है, जो वो वॉल्यूम या परसेंटेज उस टोटल ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम या आरबीसी का परसेंटेज कितना होता है, ये निकालना, इसी को कहा जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हेमेटोक्रिट। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब पीसीवी को निकालते कैसे हैं, मेजरमेंट एस्टिमेशन कैसे किया जाता है पीसीवी या फिर हेमेटोक्रिट का, तो इसके लिए दो मेथड है, एक तो माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड है, दूसरा ऑटोमेटेड मेथड। ऑटोमेटेड मेथड तो जो एनालाइजर होता है, मशीन होता है, उससे कर लेते हैं, उसमें तो बस मशीन में वो ब्लड लगा सेंट्रीफ्यूज करके यूज़ करते हैं, वो मशीन सब कुछ बता देता है। यहाँ पे मैनुअल मेथड जो बता रहे हैं होता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड है, जो कि एक मैनुअल मेथड है, जिसकी मदद से हम पीसीवी या हेमेटोक्रिट कैलकुलेट करते हैं या फिर मेज़र करते हैं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विपमेंट चाहिए हमको क्या क्या, तो एक कैपिलरी ट्यूब चाहिए होता है, जिसकी लेंथ 75 mm और इंटरनल डायमीटर इसका 1 mm होता है। एक सेंट्रीफ्यूज चाहिए होता है, ये माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज, और एक चाहिए होता है रीडिंग डिवाइस। और सैंपल क्या चाहिए होता है, वेनस ब्लड इन EDTMA, ये एक दिया हुआ है ट्यूब का, जो ट्यूब है जिसमें किया जाएगा हेमेटोक्रिट मेज़र। तो ये ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब का लेंथ जो है वो 75 mm है, और इसका जो डायमीटर, तो बहुत छोटा और पतला सा एक ट्यूब होता है, इसी में करते हैं हेमेटोक्रिट। और वेनस ब्लड चाहिए, ये मालूम है वेन से ब्लड ऐसे लिया जाता है, ये पर्पल कलर का जो कैप वाला ट्यूब होता है वो EDTA कंटेन करने वाला, EDTA कंटेन करने वाला ट्यूब है। EDTA क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है, जो कि ब्लड को ट्यूब में क्लॉट नहीं होने देता है। इस तरह से ले लेंगे। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि कैपिलरी ट्यूब में वेनस ब्लड लेना। तो वेनस ब्लड कैसे कैपिलरी ट्यूब में लेते हैं, तो जो ट्यूब में EDTA वाले ट्यूब में जो लिए हुए हैं, ब्लड कलेक्शन किया है, इस कैपिलरी ट्यूब जो पतला सा था, उस कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा इतना अंदर तक नहीं, जैसे यहाँ तक अगर ब्लड है तो यहाँ पे अगर ले आकर के उस कैपिलरी ट्यूब को रखेंगे, तो ये कैपिलरी एक्शन की मदद से इस ट्यूब में खुद ही क्या हो जाएगा, ब्लड ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा 15 mm जगह छोड़ देना है और पूरा जो है ट्यूब को भर देना है। ठीक है, भरने के बाद सील कर देना है ट्यूब को, उस ट्यूब को सील कर देना है मॉडलिंग क्ले से।
ठीक है, मॉडलिंग क्ले से सील कर देना है। कैसे करेंगे भी बताते हैं। और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, और फिर रीडिंग डिवाइस से इसका रिजल्ट देख लेना है। तो सील कैसे करेंगे मॉडलिंग क्ले से, ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है, माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज मशीन यही है। और ये है क्ले, इस तरह से मिलता है, आपको मिल जाएगा कमर्शियल शॉप्स में क्ले। और जैसे ट्यूब में यहाँ पे देख लीजिए ये वाला फिगर में, कि जैसे ये ट्यूब में भर लिया है ब्लड, और ये जो क्ले यहाँ पे दिखाया है इसी पे ऐसे रखना है। जो खाली खुला हुआ ट्यूब का पार्ट था, एक इंच तो पहले से बंद रहेगा, एक इंच जो खुला हुआ था उसको इस तरह से दबाएंगे ना क्ले में, तो ये क्ले उसके अंदर चला जाएगा और वो प्लग बना देगा, यानी कि ट्यूब को बंद कर देगा। ठीक है, अब जो है क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको रखना है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेंट्रीफ्यूज मशीन इसी तरह का रहता ही है, ऐसे ऐसे जगह रहता है ट्यूब रखने का, दिख रहा होगा। तो इसी तरह इसमें ट्यूब इस तरह रख देंगे और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन को चला देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज जब हो जाएगा तो ट्यूब में इस तरह से ब्लड सेपरेट हो जाएगा। तो मालूम ही है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है। तो ये वाला पार्ट जो था क्ले से बंद था, ऊपर वाला पार्ट में तो एयर था जो 15 mm छोड़ देना था, और यहाँ पे RBC इकट्ठा हो जाएगा। बीच में जो बफ होता है, जिसमें बफ में प्लेटलेट और WBC होता है, और ऊपर वाला पार्ट जो हल्का येलोइश होता है वो प्लाज्मा होता है, RBC वाला पार्ट जो है वो रेड कलर का होता है। सेंट्रीफ्यूज किए होंगे वो जानते होंगे आप लोग। इसके बाद अब रीडिंग डिवाइस, ये जो यही है, ये ट्यूब हेमाटोक्रिट माइक्रो हेमाटोक्रिट ट्यूब है जिसमें सेंट्रीफ्यूज किया है। तो नीचे में इसके प्लग था क्ले का, यहाँ से यहाँ तक RBC है, और ऊपर में प्लाज्मा है, बीच में प्लेटलेट और WBC का प्लग है। तो इसको ये वाला जो दिख रहा है ना, यही रीडिंग डिवाइस है। यहीं पे लिखा रहता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक रीडिंग लिखा रहता है, और यहीं से हमको देखना है, रीडिंग करना है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला जो है, ये जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग देने के लिए होता है। ये लाइनिंग या ये वाला ऊपर नीचे होता है, ये जो है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना स्केल जैसा, ये ऊपर नीचे होता है। तो इस तरह इसको रख देंगे ट्यूब को, जिसमें सेंट्रीफ्यूज किया ट्यूब को ऐसे रख देंगे, और ये वाला लाइन कहाँ पे रखेंगे, तो ये वाला जो स्केल है इसको कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे RBC जहाँ तक है, जहाँ तक RBC है वहाँ तक रखेंगे। तो ये सीधा यहाँ चला जाएगा, और जिससे ये पता चलेगा कि RBC कहाँ तक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 40 तक आ रहा है, 42, 41 जो भी तक आ रहा है, तो वो रीडिंग कर लेंगे, उतना ही परसेंटेज क्या होता है उसमें हेमाटोक्रिट या PCV होता है। तो इस रीडिंग डिवाइस से बस मिलाना है, मतलब जहाँ तक RBC है तो कहाँ तक RBC है इसी रीडिंग डिवाइस पे देख लेते हैं, बस यही किया जाता है। उसके बाद जब देख लेंगे तो इस तरह से जैसे यहाँ है 40 to 50% तक अगर रहेगा RBC रीडिंग डिवाइस पे देखेंगे, 40 to 50% तक रहेगा, तो इसका मतलब है PCV आपका नॉर्मल है। अगर उससे कम है, यहाँ पे देखिए RBC इतना ही आ रहा है, इतना ही वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है पर्सन एनेमिक है, कम है RBC का वॉल्यूम ब्लड में। और अगर ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन को पॉलीसिथेमिया कहेंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो मेन में जो है PCV का वैल्यू कितना होता है, 0.45 to 0.05 लीटर है, यानी कि इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.50, और 0.माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4, यानी कि 0.40 to 0.50 लीटर पर लीटर होता है। इतना लीटर वॉल्यूम ऑफ RBC इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड में होना चाहिए नॉर्मली, इसको परसेंटेज में बोलते हैं। तो परसेंटेज कितना होगा, तो 45 ± 5% है, यानी कि 40% to 50% अगर आएगा तो नॉर्मल होगा। और वुमेन में यहाँ दिया हुआ है 41 ± 5 है, यानी कि कितना माइनस करेंगे 41 में से 5, तो कितना हो जाएगा, 34, ये 36, सॉरी, तो 36 to 41 को ऐड कर देंगे तो 46, यानी कि 36 to 46 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है वुमेन में। ठीक है, तो ये हो गया इसका नॉर्मल वैल्यू। अब इसका सिग्निफिकेंस दिया हुआ है कि हेमाटोक्रिट या PCV क्यों मेज़र किया जाता है। तो ये डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है, एनेमिया, एनेमिया के डायग्नोसिस के लिए होता है ये यूज़, और जिसमें आपको रेड सेल भी काउंट करना होगा, और हेमोग्लोबिन भी काउंट करना होगा, और हेमाटोक्रिट
भी तो एनीमिया का पता चलता है कि एनीमिया है कि नहीं। इसके अलावा बोल रहा है कि इट इज़ यूज फॉर द कैलकुलेटिंग रेड सेल इंडिसेस। रेड सेल इंडिसेस के लिए भी हमको ये काउंट करना पड़ता है। रेड सेल इंडिसेस किस लिए किया जाता है? ताकि क्लासीफाई किया जा सके एनीमिया को कि किस तरह का एनीमिया है। और रेड सेल इंडिसेस क्या है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो इस यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा वीडियो लगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ एक बार फिर से बता देते हैं ये है क्या। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जितना भी वॉल्यूम ब्लड का ले रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 लीटर ब्लड वॉल्यूम है, तो उसमें RBC का टोटल वॉल्यूम कितना है, परसेंटेज कितना है, ये निकालना ही PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हेमेटोक्रिट होता है। इनको इन सारे नाम से भी जाना जाता है।